नमस्कार, मैं रोशन हूं। आज विपक्ष ने तय किया है कि 23 जून को पटना में एक सभा होगी, एक मीटिंग होगी और उसमें 2024 की चुनाव की तैयारी की जाएगी। 2024 में इनकी कोशिश है कि मोदी बनाम यूनाइट अपोजिशन, यानी विपक्ष, एकजुट विपक्ष कैसे मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बनाए और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हराया जाए। इसके लिए बड़ी कोशिश चली है। पहली ये 12 जून की मीटिंग थी, लेकिन ये पोस्टपोन हो गई क्योंकि बीच में एक ऐसी दुर्घटना हुई थी कि जो दिल दहलाने वाली थी, उड़ीसा बालासोर की जो ट्रेन की दुर्घटना थी, उसके कारण इसको स्थगित किया गया। क्योंकि इसमें पटना के सबसे ज़्यादा 50 लोग मारे गए थे, जो टोटल 288 लोग मरे हैं उसमें बिहार के ज़्यादा लोग मरे हैं। अब इसमें जो राजनीति है उसको थोड़ी समझने की जरूरत है कि क्या विपक्ष एक हो पाएगा। अभी राहुल गांधी अमेरिका में है, वहां से मोदी की आलोचना कर रहे हैं और मोदी के साथ साथ भारत की भी आलोचना कर रहे हैं। नीतीश कुमार जगह जगह घूम रहे हैं और अपोजिशन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जहां जा रहे हैं कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। ममता बनर्जी जहां जा रही है वो कांग्रेस की आलोचना कर रही है। तो ये अपोजिशन एकजुट होगा कैसे? देखिए इसकी गणित कि जो ममता बनर्जी है उसके पास कांग्रेस का वोट बैंक है, वो कांग्रेस से अलग हुई है और कांग्रेस का ही उसको वोट मिलता है। दूसरा, उसको सीपीएम का और सीपीआई का भी वोट अब मिलने लग गया, पहले नहीं मिलता था, लेकिन दूसरी टर्म में जब वो सीएम बनी उस चुनाव में उनको सीपीएम का कैडर का वोट मिला। तो बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस, ये तीनों कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सारे वोट ले गया, सब सीटें ले गया, कांग्रेस का जितना वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही ले गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी सारा वोट कांग्रेस के ले गई है। गुजरात में कांग्रेस का वोट काटने से कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। कर्नाटका में कोशिश हुई हालांकि वो वहां सफल नहीं हो पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी जहां जा रही है वो कांग्रेस का वोट काट रही है, तो कांग्रेस उसको कैसे अपने साथ ले? अभी जो अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ अपोजिशन के लीडरों से मिल रहे हैं पूरे देश भर में, वो तमिलनाडु गए, तेलंगाना गए, पश्चिम बंगाल गए, उत्तर प्रदेश गए, सभी जगह जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने समय नहीं दिया है। उन्होंने समय मांगा है कि हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन नहीं दिया है। अब ये जो मामला है कि इस मामले में अगर वो कांग्रेस के साथ मिलती है या कांग्रेस से वो मदद मांगते हैं कि अध्यादेश के खिलाफ आपको बोलना है, तो कांग्रेस तो अध्यादेश के खिलाफ वैसे ही बोल ले क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकती है। लेकिन वो केजरीवाल के कहने पर विरोध नहीं करेगी क्योंकि सारा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का लेके जा रही है। और जो कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन ने तो यहां तक कह दिया था कि और भी सरकारें रही है तो उनको तो केंद्र सरकार से कोई दिक्कत नहीं थी, ये अकेला आदमी कैसा है जिसको केंद्र सरकार से दिक्कत हो रही है, हर बारे में ये झगड़े कर रहा है, तो वो भी एक इश्यू है। और अब कांग्रेस के सामने ये दिक्कत है कि वो अगर यूनाइट नहीं करती है तो 2024 का चुनाव फिर हारेगी। ये तभी हो सकता है जब हरेक सीट पर अपोजिशन का एक कैंडिडेट खड़ा हो, ताकि बीजेपी और अपोजिशन 1-1 हो, और जहां बीजेपी और कांग्रेस या किसी दूसरे कैंडिडेट की सीधी टक्कर होती है, 1-1 होती है, वहां बीजेपी हारती है, ये रूल है। लेकिन जब वो बिखरते हैं, 3 या 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो बीजेपी को बेनिफिट होता है। इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कांग्रेस ने खड़ा किया है, कहा कि आप अपोजिशन को इकट्ठा करो, और उसका रीजन ये है कि नीतीश कुमार के नाम पर बाकी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस बात नहीं कर रही तो नीतीश कुमार कर सकते हैं। कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी से बात नहीं कर रही है, हालांकि पिछली बार उनका प्रतिनिधि आया था मीटिंग में, लेकिन नीतीश कुमार बात कर सकते हैं। ऐसे ही नीतीश कुमार ने साउथ में बात की है, चाहे वो टीआरएस के साथ हो या टीडीपी के साथ हो या फिर स्टालिन के साथ, तो इनकी दोस्ती है, लेकिन सीपीएम के साथ, सीपीआई के साथ ये नीतीश कुमार बात कर सकते हैं। हालांकि सीपीएम और सीपीआई से कांग्रेस को भी कोई परहेज नहीं है, केरला में परहेज है, बाकी परहेज नहीं। तो अब बीजेपी को थोड़ी सी चिंता क्या है कि अगर ये एकजुट हो गए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बीजेपी ने पिछले
तीन दिनों से लगातार मीटिंगें चल रही हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष, ये तीनों लोग मिलकर रात रात भर, दिन दिन भर मीटिंग कर रहे हैं और उन राज्यों की सिचुएशन देख रहे हैं जहां बीजेपी की जनाधार खिसकने का आशंका है। उसका कारण क्या है कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो अधिकतम है, जैसे गुजरात में, आपका कर्नाटका में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, आपके छत्तीसगढ़ में, इनमें मैक्सिमम सीटें हैं लोकसभा की। तो ऐसे आशंका है कि इसमें सीटें कम होंगी, तो कम होंगी तो बढ़ेगी कहाँ, इसका गणित लगाया जा रहा है। तो इसलिए बीजेपी भी जो धीरे धीरे दोस्ती करना चाहती है, जैसे उन्होंने भी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री की और अमित शाह की और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, तो ऐसी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है कि टीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो जाए। और जो जैसे जगन रेड्डी हैं, तो जगन रेड्डी से भी बीजेपी ने उनके खिलाफ बहुत ज्यादा मोर्चा नहीं खोला हुआ है, वो भी एक उन्होंने रास्ता खुला रखा हुआ है कि अगर टीडीपी से नहीं होती तो फिर जगन रेड्डी से करेंगे। अन्य दलों से भी बीजेपी, जो एनडीए छोड़ छाड़ के लोग चले गए, उनसे दोबारा से कैसे बात हो, वो भी कोशिश हो रही है। जैसे चिराग पासवान और जो रामविलास पासवान का जो दूसरा गुट है पारसनाथ वाला, वो भी खैर तो बीजेपी में आ गए पारसनाथ, पर वो भी कोशिश हो रही है कि उनका वोट कैसे हम लिया जाए, उनसे कैसे गठबंधन दोस्ती की जाए। तो ये गठबंधन की जो दोस्ती है ये बेसिकली 2024 के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की तैयारी हो रही है और फिर अभी चार राज्यों के चुनाव भी होने, ये महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण कदम को लेकर कांग्रेस और जो उनके अपोजिशन के साथी हैं वो 23 जून को बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब दोनों को देखना है कि बीजेपी उसमें कैसे सेंध लगाती है, यानी उसमें से कैसे लोगों को तोड़ती है, और कांग्रेस को भी देखना है कि कैसे अपनी जो एकजुटता है वो कैसे करे, क्योंकि एकजुटता अगर होगी तो फिर वो मुकाबला कर सकते हैं। और अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने चुनाव जीता है उससे उसके हौसले बुलंद है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हार सकती है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत सकती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिटेन कर सकती है, ऐसी संभावना लग रही है। तो देखते हैं कि इन राज्यों के बाद, यानी दिसंबर में चार राज्यों के चुनाव होंगे, तो उसके बाद 2024 की तस्वीर कैसे होगी, क्योंकि मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और बीजेपी ने तो बहुत बड़ी लेवल पर तैयारी कर ली है, अपोजिशन अभी तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो वो भी हमें देखना है। तो अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।